नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, आयोग की तरफ से एक दो बड़ी अपडेट है। पीसीएस मेंस 2021 में पहले दिन कितने छात्रों ने दिया परीक्षा और कितने छात्र मेंस के लिए हुए थे एलिजिबल, और साथ ही में बात करेंगे कि कोर्ट ने आयोग के सचिव को क्या लगाई है फटकार, 33% वाला क्या मामला है, आइए उसको जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, आयोग के सचिव को आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव जगदीश कुमार तिवारी को एक माह में आदेश का पालन करने का अतिरिक्त समय दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि फिर भी आदेश का पालन नहीं किया गया तो याचिका दोबारा न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। कोर्ट ने कहा है कि सचिव ने आदेश की अवहेलना की है, प्रथम दृष्टया अवमानना का केस बनना है, लेकिन बिना अवमानना नोटिस जारी किए आदेश पालन करने का एक मौका देना सही रहेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति आर अग्रवाल ने लोकेश कुमार पाठक की अवमानना याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता MS सिद्दीकी ने बहस की। इनका कहना है कि नियमानुसार 33% अंक पाने वाले के परिणाम वेबसाइट पर अपलोड कर देने चाहिए। ये है आयोग की तरफ से, कोर्ट की तरफ से सचिव जगदीश के लिए अवमानना के लिए एक नोटिस है। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए ये एक अपडेट हो गई। दूसरी अपडेट हो गई PCS मेंस 2021 पहले दिन छात्र कितने रहे। देखिए पहले दिन 91% छात्रों की रही उपस्थिति। कुल बता दें आप सभी लोगों को कि लोक सेवा आयोग ने PCS 2021 के तहत 678 पदों की भर्ती निकाली है। रिक्तियों के सापेक्ष 6955 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल हुए थे। बुधवार को प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद के 17 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हुई है, जिसमें से 91% छात्रों की उपस्थिति रही है। तो जी हाँ दोस्तों, आयोग की तरफ से यही आज की बड़ी अपडेट है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्त यार से शेयर कर दें। और आयोग की तरफ से हमने आप सभी लोगों को पहले और दूसरे मीटिंग की जो पेपर थी, सामान्य हिंदी और निबंध की पेपर अपलोड कर दी थी। आज की जो GS फर्स्ट और सेकेंड की पेपर है वो भी अपलोड कर दूंगा। साथ ही में मैं कोशिश करूँगा कि किसी सेंटर पर जाकर के आप सभी लोग से वार्तालाप करके कुछ ना कुछ अपडेट भी आप सभी लोगों को देने की कोशिश करूँगा। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।